हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया जॉब्स। सो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं मैं छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज छिंदवाड़ा एमपी की ये ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर चुका हूं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर आप देख सकते हैं दिया गया है GOVT मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा .com। GOVT मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा .com। तो ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है छिंदवाड़ा एमपी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर छिंदवाड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट जो था, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसमें स्टाफ नर्स पद हेतु आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जो कि आपने एमपी ऑनलाइन के थ्रू ऑनलाइन किए थे। तो एमपी ऑनलाइन के थ्रू आपने जो आवेदन किए थे, इसके बाद आपका OWT यानी ऑनलाइन रिटन टेस्ट लिया गया था। एमपी ऑनलाइन के थ्रू आपका जो है OWT हुआ था, और इसकी डेट जो थी एग्ज़ाम की वो थी 3 जुलाई 2021। इसके बाद यहाँ पर इसका स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया, और इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए यहाँ बुलाया गया है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की एक नोटिफिकेशन जो रिसेंटली अभी जारी की गई है, तो इसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो क्या है पूरी नोटिफिकेशन, इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपसे किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन छूटने ना पाए। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ आज की वीडियो। तो ये छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं रिक्रूटमेंट सेक्शन में आ चुका हूँ। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दी गई है, जो नोटिस जारी की गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक दिया गया है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स। अपडेट कब की गई थी ये नोटिफिकेशन, 21 अगस्त 2021, यानी रिसेंटली अभी ये अपडेट दी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम इस लिंक को ओपन कर लेंगे। इस लिंक को ओपन करने के बाद हमको एक PDF फाइल मिल जाएगी। यहाँ से PDF फाइल ओपन कर लेंगे हम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये PDF फाइल ओपन हो गई। कार्यालय अधिष्ठाता छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज छिंदवाड़ा, ये इसका पत्रांक संख्या दिया गया है, और ये डेट यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है कार्यालय अधिष्ठाता छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज छिंदवाड़ा में स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु एमपी ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। यानी कि आपकी जो परीक्षा आयोजित कराई गई थी वो एमपी ऑनलाइन के थ्रू हुई थी, और कब हुई थी आपकी, 3 जुलाई 2021 को आपकी परीक्षा हुई थी। यहाँ पर फिर आगे देख सकते हैं एमपी ऑनलाइन के द्वारा कार्यालय को परीक्षा परिणाम उपलब्ध करवा दिए गए हैं। तो परीक्षा परिणाम भी उपलब्ध, यानी कि स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है ऑलरेडी। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं उपरोक्त प्राप्त प्रावीण्य सूची के आधार पर कार्यालय पत्र संख्या जो यहाँ पे दिया गया है, दिनांक 28/7/2021 एवं यहाँ पर देख रहे हैं दिनांक 5/8/2021 के द्वारा अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया गया। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अतः निम्नलिखित अभ्यर्थियों को दिनांक 31/8/2021 के भीतर दस्तावेजों के सत्यापन हेतु प्रातः 10:30 बजे से संस्था के लेक्चर हॉल क्रमांक 1 में आमंत्रित किया जाता है। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स का नाम यहाँ जो लिस्ट में दिया जा रहा है, वो सभी कैंडिडेट्स अपना नाम चेक कर लें और दिनांक 31/8 यानी 31 अगस्त तक अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लें। और टाइमिंग यहाँ पे दी गई है 10:30 बजे से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, और कहाँ पर होना, लेक्चर हॉल क्रमांक 1 में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट जारी की गई है, तो जो भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर अपना नाम देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स की लिस्ट दी गई है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कैंडिडेट यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया, फिर कैंडिडेट का नाम दिया गया है, फिर कैंडिडेट के फादर या हस्बैंड का नाम है, और इस कैंडिडेट का फुल एड्रेस यहाँ पर दिया गया है जैसा कि उसने फॉर्म में अप्लाई किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो अनारक्षित श्रेणी यानी अनरिजर्व कैटेगरी के है, इसमें जो भी कैंडिडेट्स अनारक्षित श्रेणी के हैं वो अपना नाम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और अगर उनका नाम इस लिस्ट में है तो अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 31/8/2021 को 10:30 बजे जाकर लेक्चर हॉल क्रमांक 1 में करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो
अनारक्षित श्रेणी में है। टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, 50 कैंडिडेट्स को अनरिजर्व्ड कैटेगरी में बुलाया गया है। टोटल 50 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। तो जिन भी कैंडिडेट्स का नाम यहाँ है वो अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 31/8/2021 को करवा लें अवश्य रूप से। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरी लिस्ट जारी की गई है इसके नीचे जो दूसरा टेबल आप देख रहे हैं सेम वही कॉलम है, बस ये यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी है यानी OBC के कैंडिडेट्स की ये लिस्ट है। तो यहाँ पर OBC कैंडिडेट्स जो भी हैं वो अपना नाम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर उनका नाम है तो अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप देख सकते हैं ऊपर जो डेट दी गई है 31/8/2021 के भीतर यानी कि 31/8/2021 तक अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लें। इसके बाद यहाँ पर आप OBC में टोटल जो है आप देख सकते हैं कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया। तो OBC में आप टोटल देख रहे हैं 15 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है OBC में। तो ये 15 कैंडिडेट्स अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 31/8/2021 के भीतर अवश्य करवा लें। इसके बाद जो नेक्स्ट टेबल दी गई है, नेक्स्ट सूची दी गई है, ये है अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो SC कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स अपना नाम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, फादर नेम और अपना एड्रेस यहाँ पर देख कर अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 31/8/2021 तक करा सकते हैं। फिर यहाँ पर EWS श्रेणी के कैंडिडेट्स का भी नाम है। तो EWS के अंतर्गत यहाँ पर आप देख सकते हैं और सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं SC कैटेगरी में जो है टोटल 16 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। तो ये 16 कैंडिडेट अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जाकर करवा लें। फिर EWS श्रेणी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं दी गई है। EWS के कैंडिडेट्स का नाम, फादर नेम, हस्बैंड नेम और एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। तो EWS के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 31/8/2021 तक करवा लें अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। और EWS में टोटल जो कैंडिडेट्स शामिल किए गए हैं वो 8 कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया गया है। अब यहाँ पे आप क्या क्या ले जाना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख संलग्न प्रपत्र के अनुसार 4 फोटो, जैसा कि प्रवेश पत्र में हो यानी कि जो फोटो आपने प्रवेश पत्र में लगाया है वैसे 4 फोटो ले जाना है आपको, एवं समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और 2 छाया प्रतियों में स्वयं द्वारा सत्यापित कर दस्तावेज सत्यापन हेतु यानी कि जो और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाए उनके 2 छाया प्रति यानी 2 सेट आपको छाया प्रति ले जानी है और सेल्फ अटेस्टेड करके लेकर जाना है। निर्धारित समय पर उपस्थित हुए मूल दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की सूची बाद में कॉलेज की वेबसाइट www.gotmedicalcollegechhindwara.com पर प्रकाशित की जाएगी। यानी कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे, फाइनली सेलेक्ट किए जाएंगे, उनकी जो है सूची जो लिस्ट होगी वो बाद में कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट इस पे डाल दी जाएगी, इस पर प्रकाशित की जाएगी। तो जैसे ही लिस्ट आएगी यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देंगे, आपको एक वीडियो डाल दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी गई है। जो ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 31/8 तक आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स का नाम है इस लिस्ट में वो अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 31/8/2021 तक करवा लें। और कहाँ करवा लें एक बार हम आपको फिर से दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10:30 बजे से संस्था के लेक्चर हॉल क्रमांक 1 में आपको बुलाया गया है। तो यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लें। कहाँ बुलाया गया, छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के संस्था के मतलब लेक्चर हॉल क्रमांक 1 में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। आप यहाँ से लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाम इसमें है तो अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अवश्य करा लें। और जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनकी लिस्ट बाद में जारी की जाएगी जैसा कि इसमें बताया गया है। तो इसके संबंध में आपको एक वीडियो यहाँ पर चैनल पर तुरंत मिल जाएगी जैसे ही लिस्ट आएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी गई है। तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।